दोस्तों रात के 3:05 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे एक नई ट्रेन जर्नी, इसलिए चलते हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और शुरू करते हैं अपनी दूसरी ट्रेन की जर्नी। जयपुर स्टेशन के बारे में तो आप जानते ही हैं। सात प्लेटफॉर्म का एक बिजी रेलवे स्टेशन है जो दिल्ली हावड़ा मेन रेलखंड पे पड़ता है। इसका स्टेशन कोड हुआ JP और नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है अपने जयपुर डिवीजन में। और जयपुर स्टेशन का निर्माण 1895 में हुआ था और 2020 में इसको इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया। कुल टोटल यहाँ पे इस समय 135 से ज़्यादा ट्रेनें अप एंड डाउन रोज करती हैं। जयपुर फेमस है, अपने जानते हैं किस लिए फेमस है, गुलाबी नगरी पिंक सिटी के लिए। और इसका हवा महल, जंतर मंतर। दोस्तों सामने लगी है जयपुर दिल्ली सराय रोहिला डबल डेकर ट्रेन, ये देखिए आप सामने देख सकते हैं, जो जयपुर से चलकर दिल्ली सराय रोहिला को जाती है। और ये हमारी ट्रेन आ गई प्लेटफार्म नंबर 1 पे। देख सकते हैं इसमें डीजल एल्को लोकोमोटिव लगा है। अपनी ट्रेन नंबर है 023-84 और अपनी जर्नी होने वाली है S4 में, 55 नंबर सीट है स्लीपर में। आइए चलते हैं ट्रेन के अंदर और दिखाते हैं ट्रेन का नज़ारा। भीड़ लगी पीछे हमारे कोच में चढ़ने के लिए, मारा मारी मची हुई है। जयपुर में मेट्रो भी है, आप यहाँ आके मेट्रो के सारे स्थान घूमने वाला घूम सकते हैं। आपको पहले बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ उतरना होगा, वहाँ से आप हर जगह जा सकते हैं। तो पीछे हमारे देख रहे हैं दुकान, हमने एक दो पानी की बोतल कुरकुरे चिप्स नमकीन ले लिया है और अब हम चलते हैं अपने कोच में S4 में, 55 नंबर सीट है हमारी। हाँ उतरो ना भाई, जल्दी फटाफट उतरो यार। अरे उतरो यार, हद कर दिया भाई, एक घंटे से उतर रहे हो। इधर ट्रेन छूट जाएगी, हाँ भाई भाई इसमें भी जाम लगा दिया है सब। कोई दिक्कत नहीं, 4:40 आई है, 4:50 से निकलेगी अभी ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं। कोच में चढ़ने के लिए मारा मारी मचाए भाई, पटक देगा किसी के ऊपर, सलाजार फूट जाएगा उसका। भाई देख रहे हैं एकदम मारा मारी मचा हुआ है भाई, जल्दी करो भाई। देख सकते हैं भाई
इतनी भीड़ जनरल में नहीं होगी जितनी इसमें है, इस फोर में। पता नहीं सभी लोग इसी में आ गए हैं, क्या लग रहा है? जल्दी करो भाई, अपने सीट पे चलो यार, इतना बिना सीट, सब लोग साला इसी में घुस गए हैं क्या बिना टिकट वाले? आगे बढ़ो यार, यार जनरल समझे हो क्या इसको? सब लोग घुसे जा रहे हो। अरे भाई ट्रेन खुल गई यार, देख रहे हो भाई, इतना चिल्लाने के बाद भी नहीं हटते। हम लोग को दूसरे कोच में अब जाना पड़ रहा है क्योंकि ट्रेन रुक जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दोस्तों जयपुर से अपनी ट्रेन का डिपार्च हो चुका है, कम से कम आधा घंटा रुकने के बाद। पता नहीं इस ट्रेन में इतना भीड़ थी कि क्यों इस ट्रेन को आधे घंटे रोक दिए सब, और आधे घंटे रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्च हो चुका है। चलने के साथ ही फिर से ट्रेन रुक गई एक बार। दोस्तों देख सकते हैं 5 बजने को है और अपनी ट्रेन का डिपार्च हो चुका है जयपुर के प्लेटफार्म नंबर 1 से, और ट्रेन सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए हावड़ा जंक्शन को जाती है। और हमारा जो टिकट है वो है जयपुर से प्रयागराज तक। तो दोस्तों प्रयागराज तक आपको बैक टू बैक जर्नी दिखाते रहेंगे। ट्रेन खुल गई लेकिन अभी तक लोग अपनी सीट कंफर्म नहीं कर पाए। अभी तक ट्रेन में काफ़ी भीड़ लगी है और सामने देख रहे हैं लोग अभी सामान लेके आ रहे हैं जा रहे हैं, और इसमें चाय वाले भी चढ़ गए बेचारे रात को परेशान होने के लिए। और अपनी सीट है 55 नंबर, आप देख सकते हैं, देख भी रहा होगा कि नहीं, एकदम अंधेरा है। तो फिर दिखाते हैं आपको आगे का, ठीक है। किनारे अंदर हो जाइए, समझ नहीं आ रहा इतना भीड़ किस लिए है। लगता है चल स्टेशन के सारे पैसेंजर इसी ट्रेन में चढ़ गए हैं। देख सकते हैं भाई कितने लोग अभी तक खड़े हैं, हमको आने जाने का जगह नहीं है कि हम आपको दिखा पाए कि इसमें बेसिन बाथरूम का क्या हाल चाल है। का हालत खराब है, वॉश बेसिन में पानी आ रहा है। तो सकते हैं अपने बाथरूम के तरफ तो बंद है, चलते हैं सामने देख सकते हैं सामने मिरर है, बेसिन में पानी तो आ ही रहा है और मोटा मोटी साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन जोधपुर से चली है और जयपुर पहुंची है तो अभी तक तो सब लगभग साफ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बैठ लो,
हो गया हो गया सर, अब क्या करें। हाँ, हो गया। क्या चीज? मोबाइल और पैसा चोरी। चोरी हो गया कहाँ से? यहीं से। अरे भाई, सो गए थे क्या? नहीं सर, बैग बोला कि यहाँ रुको, मतलब अभी टिकट बना के आ रहा हूँ, मैं बना के आया। हाँ, तो यहाँ से मतलब कि वो आगे इतना किया है। हाँ, तो बोले भाई सुनो सुनो। हाँ, मतलब सुन के नहीं क्या दौड़ने लगा। अच्छा, बोला कि लैपटॉप भाई इधर देखो। हाँ, अरे तो बहुत गड़बड़ हो गया। टिकट भी नहीं कटाए? बना दिए। सावधानी रखा करिए, जानते हैं जब ट्रेन में आपको बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस समय 8:45 हो रहे हैं और हम अपने स्टॉपेज आगरा फोर्ट पे पहुँचे हैं। आगरा फोर्ट तो दोस्तों आप जानते ही हैं किस लिए फेमस है। आगरा फोर्ट आगरा के ताजमहल के लिए फेमस है और 4 प्लेटफॉर्म का एक बेहद इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है जो कि दिल्ली कानपुर मेन लाइन पे स्थित है। और ये पड़ता है अपना नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत। और इसका स्टेशन कोड हुआ AF। तो दोस्तों आगरा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आगरा आके आप ताजमहल घूम सकते हैं, सबसे वर्ल्ड फेमस हेरिटेज स्मारक। तो दोस्तों आइए, आगरा आपने राइट समय से आधे घंटे देरी से अपनी ट्रेन अब आगरा फोर्ट पे आई है, जो इसकी टाइमिंग है उससे आधे घंटे लेट 9 बजे। तो दोस्तों आइए आगरा चलते हैं, कुछ यार खाने पीने का आइटम लेते हैं क्योंकि सुबह के 9 बजने वाले हैं। और दोस्तों रात में हमने कुछ खाया नहीं था, तो आइए चलते हैं और अपना कुछ नाश्ता पानी का जुगाड़ करते हैं। भैया बिस्किट एक देते ना, 5 वाली 10 वाली कोई भी दे दे। नमकीन वाली मत दीजिएगा, मीठा नहीं है। क्रीम वाली नहीं तो रहने दीजिए। यहाँ का पेठा तो फेमस सही है, लेकिन दोस्तों हम पेठा नहीं लेंगे। पेठा हमने पहले से लिया हुआ है, इसीलिए हम पेठा नहीं लेते हैं। और बिस्किट ले लेते हैं, चलते हैं। खाली बोतल हो तो दे दो, नहीं पानी चाहिए। इसमें से देते ना कोई? नहीं ना, नमकीन में नहीं। ये कितने के है? 20 वाली 10 वाली और कोई नहीं है? गुड्डे या गुड्डे गुड्डे हाँ दे दीजिए।
ठीक है दोस्तों, हमने बिस्किट के पैकेट ले लिया, चलते हैं ट्रेन के अंदर और दिखाते हैं आपको ट्रेन के हाल चाल। दोस्तों ट्रेन अपनी निकल चुकी है, आइए चलते हैं। किस डिब्बे में है, कौन से ट्रेन, कौन से डब्बे में है, कौन से कोच में? दोस्तों आगरा फोर्ट से अपना डिपार्चर हो चुका है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सर टुंडला जंक्शन पे। पूछ रहे हैं कोच कौन सा है? ये दिव्यांग बुकिंग है ना? नहीं नहीं, सबका है, S5 है। हाँ तो किस कोच में जाना है? कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, बैठिए कोई भी कोच में बैठ सकते हैं। तो देख सकते हैं सामने आगरा किला, तो आगरा किला सुनना के बाद गढ़ हो चुका है। ये देख सकते हैं दोस्तों सामने आगरा फोर्ट दिख रहा है, कितना बुलंद और विशाल है आगरा फोर्ट। हमने तो आगरा फोर्ट का जायजा ले लिया है, घूम लिया है। आपको भी अगर आगरा फोर्ट ताजमहल घूमना हो तो एक बार जरूर आइए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत और वर्ल्ड फेमस हेरिटेज किला है। बाय बाय आगरा। ये है दोस्तों आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट काफी बड़ा भव्य इमारत है दोस्तों, लाल किले की तरह लगता है ये एकदम, और काफी बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। इससे थोड़ी दूर पर ताजमहल भी है, लेकिन ये तो आगरा फोर्ट एकदम स्टेशन के पास में ही पड़ता है। स्टेशन से बाहर निकले और आगरा फोर्ट में एंट्री ले लिए। आगरा तो अपने दोस्तों पता ही है, यमुना नदी किनारे बसा हुआ शहर है। तो आप सामने देख रहे हैं यमुना नदी जो आगरा के शहर के किनारे बसी है। यमुना अभी लगभग अब सूख चुकी है, थोड़ी बहुत बची है, नहीं तो पहले काफ़ी बड़ी नदी थी, अब एकदम सूख के मतलब एक पार्ट में डिवाइड हो गई, मतलब छोटा सा। तो जब तक यमुना नदी है तब तक अपना ताजमहल का अस्तित्व है, जिस दिन यमुना ख़त्म हो जाएगी ताजमहल भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसी कहावत है। दोस्तों हम आ चुके हैं टुंडला जंक्शन, तो इसमें हम लोग आ चुके हैं टुंडला जंक्शन पे। टुंडला जंक्शन दिल्ली हावड़ा रूट का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन और इम्पोर्टेड रेलवे स्टेशन है, मेन लाइन पे पड़ता है दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पे, और कुल 7 तो प्लेटफार्म का बड़ा और बिजी रेलवे स्टेशन है। और टुंडला का जो पोर्ट है, जो TDL है, और अपनी ट्रेन यहाँ भी 20 मिनट देरी से आई है। और दोस्तों टुंडला के बारे में क्या बताएं, टुंडला के बारे में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं अपने पास, इसलिए
जो जानकारी थी बताती, टुंडला स्टेशन की स्थापना हुई थी 1966 में और लगभग एक मिनट का यहाँ पे स्टॉपेज है। बात अब ट्रेन अपनी आगे की ओर प्रस्थान करेगी। दोस्तों रात में हम चढ़े थे जयपुर से, लगभग 4:40 ट्रेन आई थी अपनी और हमने सोचा था कि 2-3 स्टॉपेज कवर करेंगे, लेकिन जयपुर के बाद मौका नहीं मिला। ट्रेन में इतनी भीड़ थी और फिर नींद लग गई। उसके बाद हम भरतपुर अजनेरा कवर नहीं कर पाए, सीधी नींद खुली आगरा जंक्शन आगरा फोर्ट पे, तो आगरा फोर्ट हमने कवर किया। उसके बाद अपना नेक्स्ट हम टुंडला था, टुंडला आ गए हैं और यहाँ से चलते हैं इसके अगले स्टॉपेज, देखते हैं कहाँ पे होगी, वहाँ आपको दिखाएंगे। तो टुंडला जंक्शन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। काफी लेट यहाँ रुके, 15-20 मिनट आधे घंटे। चार प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा छोटा क्या मेन लाइन पे स्टेशन और इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई लाइनें कटती हैं और वेस्टर्न नॉर्थन रेलवे कटाता है। दोस्तों इस समय हम आ चुके हैं इटावा जंक्शन पे और यहाँ से अपनी ट्रेन पूरे आधे घंटे लेट आई है, तो एक मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन खुल भी गई। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमारी ट्रेन जो जोधपुर से चलकर हावड़ा को जाती है हमारे स्टॉपेज के 7वें हॉल्ट पे पहुंच चुकी है, कानपुर सेंट्रल। और कानपुर सेंट्रल जाते हैं दोस्तों, 10 प्लेटफॉर्म का बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन है और ये पड़ता है अपना NCR जोन यानी नॉर्थन सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत। और इसकी जोन की बात करें तो कानपुर जोन नहीं पड़ता है, तो कानपुर अपने इंडस्ट्री ऑफ हब के लिए जाना जाता है। और दोस्तों हमारे पीछे देख सकते हैं सामने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है, जय हिंद।
कानपुर सेंट्रल की स्थापना हुई थी 1930 में और 10 प्लेटफार्म के बीच में टोटल 28 रेलवे ट्रैक हैं। तो आप समझ जाइए दोस्तों कि कितना बिजी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे लगभग 350 ट्रेनें प्रतिदिन अप एंड डाउन करते हैं और स्टेशन दिल्ली हावड़ा मेन रेल मार्ग पे स्थित है। यहाँ से कई सारी लाइनें कटती हैं, एक लखनऊ के लिए, एक दिल्ली के लिए, एक अपने उधर काठगोदाम के लिए, तो बहुत सारी ट्रेनें बनारस के लिए, फैजाबाद के लिए, हर जगह के लिए यहाँ से लाइनें जाती हैं। इसीलिए इसको सेंट्रल कहा जाता है, कानपुर सेंट्रल, क्योंकि यहाँ पे सारी जगह के लिए ट्रेन आपको उपलब्ध हो जाएगी और यहाँ हर मिनट दो मिनट में ट्रेनें आती रहती हैं। दोस्तों आप हमारे पीछे देख सकते हैं पानी के लिए लाइन लगी हुई है, इतना भीड़ है पानी लेने के लिए, लोग लाइन में खड़े हैं और ये ट्रेन अपने समय से करीब एक घंटा देरी से चल रही है। पता नहीं क्यों इसको इतना लेट किया जा रहा है, क्योंकि कानपुर पहुंचने का इसका टाइमिंग 1 बजे के लगभग है, 1:05 पे, लेकिन ये ट्रेन 2:10 हो गया और अभी को आ रही है। और अपने पीछे देख सकते हैं दोस्तों हावड़ा सेट का, हावड़ा डेज का वेव 4 इंजन के साथ आनंद विहार जोगबनी एक्सप्रेस, जो आनंद विहार सर्कल जोगबनी को जाती है, प्लेटफार्म नंबर 5 पे लग चुकी है। ये अपने ट्रेन से है, देख सकते हैं पीछे अपने खाने वाले कैटरिंग भाई साहब का खाना नीचे गिर गया है, थोड़ा जल्दीबाजी में इन्होंने अपना पूरा खाना नीचे गिरा दिया, जो कुछ फट भी गया, ख़राब भी हो गया। इसलिए दोस्तों जल्दबाजी नहीं करें, नहीं तो सावधानी हटती दुर्घटना घटती। देख सकते हैं अंडा बिरयानी और तमाम चावल बेच रहे हैं। अंडा बिरयानी सब्जी चावल सभी चीज़ें 40 रुपये प्लेट दे रहे हैं। तो दोस्तों 5 मिनट रुकने के बाद कानपुर से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, तो मिलते हैं इसके अगले स्टॉपेज में। दोस्तों थोड़ा सा चलने के बाद पता नहीं क्यों इस ट्रेन को फिर से दोबारा रोक दिया गया है। देखो भाई सो गए थे क्या, इतना भीड़ उतर रहे हैं। और सामने लगी आनंद विहार जोगबनी स्पेशल ट्रेन, जो आनंद विहार से चलकर जोगबनी को जाती है।
दोगुनी को लेकर चलता है। नमस्कार दोस्तों, 0-23-86 हम आ चुके हैं जोधपुर से हावड़ा को जाने वाली अपने 8वें स्टॉपेज फतेहपुर जंक्शन पे आ चुकी है। फतेहपुर यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपना हावड़ा दिल्ली मेन रूट पे पड़ता है, 3 प्लेटफार्म का छोटा सा स्टेशन है लेकिन काफ़ी साफ सुथरा अच्छा स्टेशन है। और सामने आप देख सकते हैं, नहीं दिख रहा है, ये ट्रेन अभी भी जोधपुर से हावड़ा को जाने वाली 1 घंटे लेट से चल रही है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर खड़ी है, यात्रियों से ट्रेन अभी भी 1 घंटे लेट चल रही है। अपना स्थान ग्रहण करें और सामने देख सकते हैं बंदरों का आतंक, पीछे हमारे बंदर सभी को परेशान किए हुए हैं। और यहाँ पे इसका आ चुकी है 1 मिनट का हॉल्ट है, वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज प्रयागराज जंक्शन पे। फतेहपुर अपना NCR जोन के नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज जोन में पड़ता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक प्रयागराज जोन में पड़ता है, जोधपुर से हावड़ा को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। अपनी ट्रेन 2 नंबर पे आई है। पीछे देख रहे हैं बंदरों ने आतंक फैला के रखा है। और फतेहपुर से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है 1 मिनट के हॉल्ट के बाद, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉप पर प्रयागराज जंक्शन। रात के 6 बजने वाले हैं और अपनी ट्रेन अपने स्टॉपेज प्रयागराज जंक्शन पहुंच चुकी है। ये ट्रेन 2 घंटे की लेट देरी से हमें यहाँ पे पहुंचाया। इस ट्रेन ने हमें छोड़ा है प्लेटफार्म 4 पे। हम निकलते हैं बाहर स्टेशन की तरफ और दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा। दोस्तों एक बात और कि अगर आपको चैनल पे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद दोस्तों। और आपके सामने हम ऐसे ही जर्नी वाले वीडियो अच्छी कंटेंट के लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।